बंद करो, बंद करो, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी शिमला में आज सुबह उस समय बवाल हो गया जब लक्कड़ बाजार के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर ताले जड़ दिए और वे सड़क पर उतर आए। सभी व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इन दुकानदारों का कहना है कि रिज पर इन दिन समर फेस्टिवल के लिए रिज पर दुकानें सजी हुई है। इन दुकानों में लोग व पर्यटक खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते स्थानीय दुकानदारों पर इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा रेहड़ी फड़ी वाले भी उनके व्यापार पर असर डाल रहे हैं। पर्यटन सीजन होने के कारण लोग स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदने नहीं पहुंच रहे हैं। इसी के चलते आज सभी व्यापारी सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी। मैं अनिल गुप्ता, लक्कड़ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तहत ये जो हमारा बाजार बंद का ये जो हमने फैसला किया है, ये हमने एक डेढ़ साल से हमने प्रशासन को एक डेढ़ साल पहले से हम प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे कि जो आप रिज के ऊपर मेला लगाते हैं और ये जो इलीगल फड़ी वाले बैठे हैं इनको हटाओ, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा आश्वासन दिया कि जी हट जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। रिज पे ये जो मेला लगाते हैं और ये जो फड़ी लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे को लक्कड़ बाजार के जो 200 दुकानदार हैं आज तक बड़े अच्छी तरह से खा पी रहे थे, सब काम होता था, मशहूर था लक्कड़ बाजार, पर जब से ये मेला लगना शुरू हो गया और ये फड़ी वाले बैठ गए हैं, तो आप झूठ मानेंगे कि लोगों को खाना खाने की मुश्किल हो गई है। 200 दुकानदार के पीछे कोई 2000 लोग और होते हैं, उनका परिवार होता है, खाना चलता है, पर इन्होंने हमारी बात कोई सुनी नहीं कि जी अच्छा हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर देखिए बाहर से लोग आते हैं, रिज एक ऐतिहासिक मैदान है, रिज पे लोग आते थे घूमने देखने को, फोटोग्राफी करने, अच्छा लगता था, खुला लगता था। अब इन्होंने वो चाइना बाज़ार बिठा दिया उधर, साथ में वो खाने पीने का बिठा दिया। अब चाइना बाज़ार में अगर दिल्ली या कहीं से भी बाहर भारी राज्य से लोग आते हैं, तो वो सिर्फ वो 200 रुपए की टी शर्ट खरीदने या वो चाइना का माल लेने या वो चूरन की गोलियां लेने थोड़ी आएंगे कोई। वो हमारा कहने का मतलब है, ये जो लोग हम सामान बेचते हैं, अगर वो हमसे खरीदेंगे तभी हम कुछ सक्सेसफुल होंगे। तो इनको इनको बोला गया, इनको समझाया गया, नहीं ये नहीं मानते हैं। तो अगर आपने यही बाजार लगाना, कहीं और लगा दो, नीचे लिफ्ट की पार्किंग पे लगा दो, आपने लगाना ही है। तो देखिए आप, एक बात है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं कुछ खाने आते हैं, तो नूडल सिड्डू तो उनको वहाँ भी मिल जाएगा या मोमोज वहाँ भी मिल जाएगा, और ये जो चाइना मार्केट का बाजार है, इसकी वजह से लक्कड़ बाजार रिज की सुंदरता का तो इन्होंने खत्म कर दिया है। फड़ी को बंद करो, बंद करो, बंद करो, सेल का तमाशा बंद करो, बंद करो, बंद करो, तहे बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तहे बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिर्फ ये दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये जो मेला लग रहा है, इससे सबसे पहले आप देखो कि जो फोटोग्राफर है, 100 से 150 फोटोग्राफरों के परिवार जो अभी बिल्कुल सड़क पे आ गए, कितने सालों से वो बैठ रहे थे, जो लोकल रेजिडेंट है, आपके हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं, हम बचपन में क्या देखने जाते थे वहाँ पे, सनसेट और पहाड़ देखने जाते थे, अब क्या दिखता है वहाँ पे, मेला और गंदगी दिखती है। बाकी ये प्रोटेस्ट है जो ये आज हम ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शिमला की हिस्ट्री में पहला ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हमारे को बाकी बाजार व्यापार मंडल वाले, हमारे मंगा जी भी आए हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट आई थी कि हम भी ज्वाइन करेंगे, पर हम अगली बारी उनको इस चीज़ में ज़रूर ज्वाइन कराएंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाएंगी। संजौली बाज़ार, ढली बाज़ार, सब परेशान है मेले से, क्योंकि सबके कस्टमर जुड़े हुए हैं यहीं से। तो ये हमारी आप मीडिया वाले लोगों से भी गुजारिश है कि रेजिडेंट्स भी आगे आए इस चीज़ में, जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन है वो भी आगे आए, वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो उनको ये गंदगी दिखती है, स्कूल के बच्चे सुबह यहाँ से निकलते हैं तो उनको ये गंदगी, ये गंद दिखता है, सुबह वहीं पर सड़क पर रिज पर वो नहारे होते हैं, वो थोड़ा हम देखना चाहते हैं। हमारा शिमला का कोई कल्चर था, कोई ड्रेस कोड था मॉल रोड का, सब नष्ट हो गया है जी।